पूज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम शतक का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, काशी महाकाल अयोध्या हो गया, अब मथुरा ब्रज क्षेत्र के विकास की बारी। मां गंगा ने बुलाया तो आपके बीच बस गया। कोझिकोड में कांग्रेस की फिलिस्तीन के समर्थन में रैली। वेणुगोपाल बोले, हमने हमेशा इजराइल हमले का विरोध किया, मोदी सरकार ने स्टैंड बदला। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, यूपी में अब बंजारा जाति को भी मिलेगा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ, शासनादेश जारी। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने सोमशेखर सुंदरेशन, सरकार ने जताई थी आपत्ति। सोमशेखर 1996 बैच में मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में स्टूडेंट थे। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल करके बिटकॉइन में मांगे $1 मिलियन। ईमेल में लिखा था, ये आपके हवाई अड्डे के लिए आखिरी चेतावनी है। राहुल गांधी योद्धा, सही तरीके से देंगे जवाब, चुनाव आयोग के नोटिस पर बोली सांसद सुप्रिया सुले, 3 दिसंबर को कांग्रेस और भारत के लिए अच्छा दिन होने वाला है। मुंबई में बीएमसी करोड़ों रुपए खर्च करके चला रही अस्पताल, लेकिन जनता को नहीं मिल रहा लाभ, अस्पताल को लेकर स्थानीय लोग कर रहे मांग। मेडिकल इमरजेंसी के चलते हैदराबाद आने वाली इंडिगो की फ्लाइट पाकिस्तान में उतरी, नहीं बच सकी यात्री की जान। मार्च में कराची में भी करनी पड़ी थी आपात लैंडिंग। नेतन्याहू और मोदी एक ही तरह के, केरल में फिलिस्तीन एकजुटता रैली में बोले पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, हमारी कार्य समिति अपना प्रस्ताव जारी कर चुकी है। मुंबई में बढ़ता अपराध का ग्राफ, पिछले 10 सालों में रेप और साइबर क्राइम बढ़ा, एनजीओ ने किया दावा। कर्नाटक सरकार ने डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच रद्द करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। ये प्रस्ताव कर्नाटक के गृह विभाग ने मंत्रिमंडल को पेश किया था। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का फर्स्ट फेज, 100 किलोमीटर का पुल तैयार, 250 किलोमीटर की पिलर खड़े किए गए हैं। मुंबई से अहमदाबाद चलेगी पहली ट्रेन। स्कूल मर्जन मॉडल देश भर में होगा लागू, नीति आयोग में सिफारिश की, जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र उनका बड़े स्कूल में विलय। जालंधर में नेशनल हाईवे के बाद रेलवे ट्रैक भी जाम, किसानों ने गन्ने के दाम को लेकर आंदोलन किया, सीएम बोले आम आदमी को परेशान मत करो। राजौरी में 34 घंटे से जारी मुठभेड़ खत्म, 2 आतंकी ढेर, 5 जवान शहीद, 1 आतंकी पाकिस्तान आईईडी एक्सपर्ट और ट्रेंड स्नाइपर था। औरैया में लोकसभा सांसद ने बढ़ाया खिलाड़ियों का मनोबल, स्टाफ ने स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित, विद्यालय के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई। रामनगरी में सीएम योगी राम के दरबार में मुख्यमंत्री योगी, हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ निर्माणाधीन मंदिर का अवलोकन करेंगे। देवरिया में महिलाओं ने मनाया तुलसी विवाह, मां तुलसी की महिलाओं ने की पूजा, आयोजन के साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया था। हरदोई में 2 सगी बहनों ने रचाई शादी, नकदी और जेवर लेकर दुल्हने हुई फरार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है।
लखनऊ में बिजली कर्मियों ने निकाली जागरूकता रैली। विधायक योगेश शुक्ला ने रैली को दिखाई हरी झंडी। एक मुश्त समाधान योजना को लेकर निकाली रैली। संभल के कल्कि महोत्सव में पहुंचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, कांग्रेस नेता ने किया स्वागत। राज्यपाल महोदय ने भक्तों से कल्कि भगवान के विषय में चर्चा की। औरैया में तेज रफ्तार का कहर, सिपाही के अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई मौत। नेशनल हाईवे पर ड्यूटी से लौट रहा था सिपाही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। हॉट कुक्ड मील योजना का सीएम करेंगे शुभारंभ। 403 करोड़ की लागत से योजना का होगा शुभारंभ। बुलंदशहर में पीवीवीएनएल की लापरवाही के चलते हो रहे हादसे। खड़ी कार पर हाई टेंशन लाइन का जर्जर तार टूटकर गिरा। कार में लगी आग, लोगों ने रेत पानी डालकर आग को बुझाया। बुलंदशहर में फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, मची अफरा तफरी। आग से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। हमीरपुर में रोडवेज बस की टक्कर से 10वीं के छात्र की मौत। चचेरी बहन के साथ शहर से गांव लौट रहा था छात्र। नाबालिग छात्र बिना हेलमेट पहने चला रहा था बाइक। लखनऊ में बसपा 6 दिसंबर को करेगी दो बड़े आयोजन। अंबेडकर दिवस पर करेगी आयोजन। लखनऊ के अंबेडकर स्मारक में जुटेंगे कार्यकर्ता। मऊ में चोरी का आरोप लगाकर की पिटाई। एक युवक को 3 दिनों तक दबंगों ने पीटा। पीटने के बाद दबंगों पर फांसी लगाने का लगा आरोप। संभल में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बाइक पर जा रहे थे 3 संदिग्ध लोग। चेकिंग के दौरान पुलिस ने की रोकने की कोशिश। संभल में अज्ञात वाहन ने रेलवे कर्मचारी को रौंदा। रेलवे कर्मचारी की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ड्यूटी करके घर लौटते समय हुआ हादसा। संभल में कल्कि महोत्सव की धूम। महाआरती के साथ कल्कि महोत्सव का भव्य समापन। कार्यक्रम में पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। संभल में 5 दिवसीय मेले का शुभारंभ। हवन में आहुति देकर किया गया गंगा मेले का शुभारंभ। गंगा किनारे बसाई गई है तंबुओं की नगरी। कानपुर में बिहार से काम करने आए युवक का हुआ अपहरण। काम दिलाने के बहाने आरोपियों ने किया अपहरण। पिंटू और मुन्ना नामक युवक ने ओमनी वैन से किया अपहरण। बुलंदशहर में बुजुर्ग के बेटे ने घर से निकाला। बुजुर्ग ने डीएम से लगाई गुहार। डीएम ने फिर बेटे को याद दिलाया फर्ज। पीलीभीत में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। मंदिर की संपत्ति पर कर रहे कब्जा। पीड़ित दंपति ने की आत्मदाह की कोशिश। यूपी एटीएस का आईएसआईएस टेरर फंडिंग के खिलाफ शुरू हुआ अभियान। यूपी में आतंक के लिए क्रिप्टो करेंसी का कर रहे इस्तेमाल। एटीएस ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर वसीउल्लाह को लेकर तेज की जांच। लखनऊ में बिल्डिंग के कर निर्धारण में लाखों का घपला। ट्रांसपोर्ट नगर में कर निर्धारण में बड़ा घपला किया। मेयर सुषमा खरगवाल की ओर से कराई गई जांच। यूपी सरकार ने सालों से बंद सिनेमा घर के मालिकों को दी राहत। बंद सिनेमा घर को बनाया जा सकेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। राज्य कर विभाग से बकाया अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। लखनऊ में नगर निगम में होगा विकास कार्य। विकास के लिए पुनरीक्षित बजट हुआ पास। 238 करोड़ के बजट अब क्षेत्र में होगा विकास कार्य। लखनऊ में 6 दिसंबर को होगा एलयू का 66वां दीक्षांत समारोह। 74% पदक बेटियों के होंगे नाम। 192 पदकों में 78 पदक पर लड़कियों का होगा कब्जा।
एटा में दर्दनाक सड़क हादसा, कैंटर ने बाइक सवारों को रौंदा, 2 साल की बेटी और मां की मौत, पिता की हालत गंभीर। शाहजहांपुर में वीडियो कॉल कर दरोगा ने फंदा लगाकर दी जान, महिला सिपाही से प्रेम प्रसंग की चर्चा। पुलिस जांच हुई धीमी, ना एल विश आया दोबारा, ना फजीपुरिया को बुलाया, अब विश रिपोर्ट का इंतजार। जिस भट्टी में बिना शादी समारोह के लिए खाना, उसी में मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। डॉक्टर पति मांग रहा दहेज, पीड़ित पत्नी बोली, 2 बेटियों संग घर से निकाला, कर रहा था उत्पीड़न। खनन पट्टी की साइट पर कमरे में फंदे से लटका मिला पूर्व कर्मचारी का शव, फर्श पर थे खून के धब्बे। हरे पेड़ों के कत्ल का मामला, चार्जशीट देने की तैयारी, जांच में दायर डीएफओ रेंजर समेत 7 अधिकारी कर्मचारी। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बूढ़ी दीपावली की रौनक, भैलो खेलकर उत्साह के साथ मनाया गया ईगास। प्रदेश भर में अगले हफ्ते बदलेगा मौसम, अचानक बढ़ेगी ठंड, बारिश का येलो अलर्ट जारी, केंद्र ने दी चेतावनी। राकेश्वरी मंदिर पहुंची दिति केदार भगवान महेश्वर की डोली, भक्तों ने खूब लगाए जयकारे, बागेश महाराज ने की सायंकालीन आरती। हाथियों के झुंड ने सड़क पर मचाया तांडव, डर के मारे भागने लगे लोग, गिरा साइकिल सवार, अटकी सांसें। रिलायंस ज्वेल्स डकैती कांड में 13 दिन बाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, घटना में शामिल एक बदमाश गिरफ्तार। गैंगस्टर जीवा के बारे में एक और सनसनीखेज खुलासा, रुड़की में गुर्गे के पास जमा करता था काली कमाई, अपराध की दुनिया में उत्तराखंड तक अपना नेटवर्क बिछा रखा था। लावारिस धूम रहे पशुओं के मामले में हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम हल्द्वानी से मांगा जवाब, हाईकोर्ट ने अगली तारीख तक जवाब देने के लिए कहा। आतंकी हमले में उत्तराखंड का बेटा शहीद, 12 साल पहले सेना में हुए थे भर्ती, परिवार में मचा कोहराम। सरकार का बड़ा तोहफा, राजस्व परिषद में 58 पटवारी बने नायब तहसीलदार, नए तैनात स्थल पर भेजा गया। दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को झटका, नहीं मिलेगा महंगाई भत्ता, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। प्रदेश में 119 महाविद्यालयों में रखे जाएंगे योग प्रशिक्षक, आउटसोर्सेस पर होगी तैनाती, शासनादेश जारी। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद बाबा रामदेव ने दी सफाई, बोले हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। नए साल में पर्यटकों को मिलेगा तोहफा, टिहरी झील में फ्लोटिंग हट्स के बाद अब चलेगा हाईटेक क्रूज। हमास की कैद में 9 साल की बेटी, रिहाई की राह तक रहा पिता, बोले जीवन का एक ही मकसद।
बच्चों पर चाकू से हमले के बाद आयरलैंड के डबलिन में भड़की हिंसा की आग, बसे और दुकानें खाक, भीड़ ने पुलिस पर भी किया हमला। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री का वीडियो वायरल, भारत को दी धमकी, कहा पूरे हिंदुस्तान में 22 पाकिस्तान बनेंगे। अमेरिका में 26 साल के भारतीय मेडिकल स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या, अब तक कोई गिरफ्तार नहीं, गम में डूबे यूनिवर्सिटी के लोग। गाजा के डॉक्टरों का दावा, यूएन के स्कूल पर इसराइल का हमला, 30 की मौत, 93 घायल, 2 महीने और लड़ाई की उम्मीद। आज शुरू हो जाएगा इसराइल हमास के बीच संघर्ष विराम, जल्द होगा बंधकों की रिहाई, कतर ने किया ऐलान। हिजबुल्लाह का उत्तरी इसराइल पर ताबड़तोड़ हमला, सैन्य चौकियों पर दागे 50 से ज्यादा रॉकेट, नसरल्लाह से मिले ईरान के विदेश मंत्री। उत्तरी गाजा से अपना नियंत्रण खो चुका है हमास, इजरायली सेना ने गाजा वासियों के लिए जारी किया खास मैसेज। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को धार्मिक उत्पीड़न से बचाने के लिए मानवाधिकार संगठनों ने की कानून बनाने की मांग, एचआरएफपी ने कई घटनाओं को किया जिक्र। पायलट ने हमास के लड़ाकों को बताया बहादुर, मचा बवाल, यूनाइटेड एयरलाइंस को लेना पड़ा एक्शन। ताज होटल ग्रुप पर साइबर हमले से 15 लाख कस्टमर का डाटा चोरी होने का दावा, अटैकर ने मांगी इतनी रकम, मामले की जांच जारी। शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, सेंसेक्स 66,000 के पार, निफ्टी 19,800 के ऊपर पहुंचा। भारत में लगातार बढ़ रहा मेडिकल खर्च, इलाज कराना हो चुका है 14% तक महंगा, हेल्थ इंश्योरेंस की पहुंच है बेहद कम। सिंघानिया फैमिली में झगड़े से रेमंड के शेयरों को बड़ा झटका, चंद दिनों में घट गई 1500 करोड़ रुपए की कीमत। लोगों को लूटने वाले फ्रॉड लोन ऐप को जमकर लूट रहे भारतीय, रिपोर्ट से हुआ खुलासा, एआई की मदद से मूर्ख बना रहे हैं लोग। शादी के सीजन की शुरुआत के साथ ही महंगा हुआ सोना चांदी, भारत में शादियों में सोने और चांदी की ज्वेलरी देने के विशेष महत्ता है। दुनिया की 8,000 कंपनियों में से सिर्फ 35% में निदेशक पद पर महिलाएं, भारत में स्थिति और भी खराब, अवसर देने से भी बदलती है धारणा। आयकर रिफंड मिलने में आई तेजी, 5 वर्षों में वेटिंग अवधि भी घटी, आयकर विभाग के लिए बड़ा भरोसा। तकनीक तेज दौड़ने वाला जानवर, इस पर लगाम जरूरी, साइबर धोखाधड़ी पर वित्त मंत्री ने दी सलाह, भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय भंडारी के खिलाफ नई चार्जशीट, एचएसी के पूर्व अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी। भारतीय क्रिकेट टीम को मिला नया एमएस धोनी, रिंकू सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी स्टाइल में दिलाई जीत। वर्ल्ड कप में नहीं मिले पूरे मौके, अब चांस मिलते ही दिखा दिया दम, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की जोड़ी ने दिलाई टीम इंडिया को जीत।
पहले टी20 में रिकॉर्ड्स की बारिश, सूर्य कुमार ने पूरा किया छक्कों का शतक, ईशान किशन ने भी रचा इतिहास। जोश इंग्लिस के शतक पर फिरा पानी, रोमांचक मुकाबले में एक गेंद रहते जीता भारत, रिंकू ने छक्का लगाकर दिलाई जीत। टी20 में डायमंड डक पर आउट होने वाले तीसरे भारतीय बने ऋतुराज गायकवाड़, शर्मनाक लिस्ट में हुए शामिल ऋतुराज, बिना कोई गेंद खेले सोने पर पवेलियन लौट गए। राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर आया मोहम्मद शमी का रिएक्शन, कहा ये पॉलिटिकल एजेंडा मुझे समझ नहीं आता। भारत की वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद कंपनी ने कर्मचारियों को दी छुट्टी, रिकवरी के लिए मिला ऑफ। एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को लगा बड़ा झटका, आईपीएल के अगले सीजन से बाहर हुए वेन स्टोक्स, टीम ने वेन स्टोक्स पर खर्च किए थे 16.25 करोड़ रुपए। इमाम की अनमोल, 25 नवंबर को शादी करेंगे पाकिस्तानी ओपनर इमाम उल हक, सामने आई होने वाली वाइफ की पहली तस्वीर। खुशी इस बात की है कि इंडिया हार गई वर्ल्ड कप फाइनल में, भारत की हार पर अब्दुल रजाक ने दिया बेतुका बयान। आलिया से लेकर करीना तक रणवीर कपूर की एनिमल का ट्रेलर देख इंप्रेस हुए बॉलीवुड सेलेब्स, बोले फिल्म रिलीज का नहीं हो रहा है इंतजार। फटे पुराने जूते पहन इंटरव्यू देने पहुंचे सलमान खान, फोटो देख लोग बोले आप लेजेंड हो, दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी टाइगर 3। ट्रॉफी पर पैर रखकर बैठे मिशेल मार्स को उर्वशी रौतेला ने लगाई लताड़, लिखा ब्रो इसकी इज्जत करो। अभिनेता प्रकाश राज की बड़ी मुश्किल, ईडी ने प्रणव ज्वेलर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया तलब। कॉमेडी करते करते ऊब गए हैं मनमोहन तिवारी, बोले मेकर्स अब मुझे सिर्फ इसी रोल के लिए कास्ट करते हैं। एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हैं जैस्मिन भजन और एली गोनी, अब लंदन में शूटिंग कर रही एक्ट्रेस ने फोटो शेयर कर बयां किया दिल का हाल। पचासी करोड़ में बनी है शाहरुख खान की फिल्म डंकी, रिलीज के पहले कमाए 100 करोड़ रुपए, 75 दिन में फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। एक्टर विक्की कौशल गोल्डन टेंपल पहुंचे, दरबार साहिब में माथा टेका, आने वाली फिल्म सैम बहादुर की कामयाबी के लिए अरदास की। फरी की स्क्रीनिंग में दिखा ग्लैमर, रेड मिडी ड्रेस पहने पहुंची कैटरीना, कियारा, सोनम समेत कई सेलेब्स पहुंचे। जीक्यू इवेंट में सेलेब्स का फैशनेबल अंदाज, मेलेटिक ड्रेस में दिखी अलाया, मिनी हैंडबैग लिए पहुंचे अपार शक्ति, रणदीप गर्लफ्रेंड के साथ हुए स्पॉट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।